मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज मेरी 1-to-1 एपिसोड होने जा रही है, और हमेशा की तरह एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली या इंटरनेशनली प्रमोट करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं हमेशा की तरह, जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा उनकी ख़ानदान की उनकी खिदमात है, बल्कि जहाँ जहाँ भी उनको मौका मिला उन्होंने हमेशा ही कुछ करके दिखाने का कोशिश की है। और आज एक ऐसे सियासी घराने में मैं मौजूद हूँ जिनका तारुफ जो है मैं अगर करवाना भी चाहूँ तो शायद ये एपिसोड बहुत कम पड़ जाएगी। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनके साहबजादे चौधरी शाफी हुसैन साहब। और आज की इस मुलाकात में ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में हम जानेंगे, चौधरी साहब के आपने बहुत सारे इंटरव्यू सुने होंगे लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, लेकिन चूंकि मेरा फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक, आज जानेंगे हम चौधरी साहब की वो कहानी, वो ख्वाब कि वो गुजरात से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल से लेकर एग्रीकल्चरल, और जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, और फिर सियासत। इसके बस सारी हम इस आज तफसीली इस नशिस्त में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, चौधरी शाफी हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। चौधरी साहब, मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि मैं आपका आज इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, और 1-to-1 आज हमारी एपिसोड होने जा रही है। सर, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में लोग जानना चाहेंगे, लोगों ने आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू जानते हैं, चौधरी शुजात हुसैन किसी तारुफ के मुहताज नहीं, जब भी उनको मौका मिला पाकिस्तान की खिदमत की, ना सिर्फ आपने बल्कि आपके पूरे इस घराने ने। लेकिन चौधरी साहब, कुछ लोग, कम लोग जानते हैं हमारे व्यूज़, स्पेशली इंटरनेशनल व्यूज़ जो हमारे देखने वाले हैं, कि चौधरी शाफी हुसैन है क्या? आपने इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की, बचपन के ख्वाब क्या थे, और कहाँ से किस तरह से यहाँ तक पहुँच गए? थोड़ा सा डिटेल के साथ आज नाज़रीन को बताइएगा कि बेसिकली चौधरी शाफी हुसैन है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कि आपने जो है इस ये प्रोग्राम किया। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टडीज़ हैं अपनी, वो मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लैंड से किया था, और जो ग्रेजुएशन है मैंने यूनिवर्सिटी में वो की थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ओके, फ्रॉम यूके। तो उसके बाद फिर 13 साल जो है मैंने पाकिस्तान में जो है टेक्सटाइल जो है जो देखी, जो कि हमारा ऑलरेडी बिजनेस था, उसमें 1000 जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो है वो मैं लुक आफ्टर करता था। और जब मैं इंग्लैंड से आया तो मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की हुई थी स्टडी, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तो मैंने नहीं की हुई थी। तो पहले आके सारा समझा कारोबार को, इसलिए मैं समझता हूँ कोई भी बिज़नेस, चाहे कोई भी शख्स स्टार्ट करे, तो उस बिज़नेस को पहले ख़ुद समझना बड़ा ज़रूरी है। आप मतलब कि हर चीज़ मतलब कि एम्प्लॉइज़ पर नहीं रिलाई कर सकते, आपको ख़ुद बिज़नेस आता होगा तो फिर ही आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो बीच में मुश्किल हालात भी आए टेक्सटाइल के, तो बुरे से बुरे हालात में भी जो है वो टेक्सटाइल चलाई, और उसके बाद जो है चिकन स्लॉटरिंग प्लांट भी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो लगाया। फिर एक टाइम पर यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्लान बना, मगर उन दिनों में फिर कोविड आ गया तो वो पर प्लान रह गया था। और ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है वो 2004 में ही मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो साथ साथ वो बिजनेस भी देख रहा था, फैमिली बिजनेस देखते रहे आप? जी जी। और उसके अलावा जो है एक दो बिजनेस खुद भी स्टार्ट किए।
थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। ओके, वो चाइना की नंबर टू कंपनी है, उनके साथ मैंने 4 साल पहले एग्रीमेंट साइन किए टू इम्पोर्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, और उनके साथ असेंबली प्लांट की बात भी चल रही है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का यहाँ पर वो लगाया जाए असेंबली प्लांट। काफ़ी मुल्कों में इवन यूरोप इलेक्ट्रिक कार जो हैं वो 70% जो हैं वो शिफ्ट हो गई हुई हैं 80% टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक, और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो है फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको ड्यूटी कम करनी चाहिए और इंसेंटिव देने चाहिए उन इलेक्ट्रिक प्लांट्स को पाकिस्तान में, वो आके इन्वेस्टमेंट करें ताकि पाकिस्तान भी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है हमें शिफ्ट होना चाहिए। वो एनवायरमेंटली भी, फ्यूचर भी यही है, पोल्यूशन के लिए भी हवाले से भी बेहतर है। जिस तरह आपको पता है कि हर साल लाहौर जो है इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाने से ही होएगा कि इसमें स्मॉग जो है वो कम हो जाएगी और पोल्यूशन बेहतर होगी और इसमें नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो आई थिंक शुड ट्राई टू शिफ्ट द ट्रांसपोर्टेशन इनटू इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, आपका जो घराना है सियासी घराना है चौधरी शुजात हुसैन साहब, एक हमारे मोतबर शख्सियत है पाकिस्तान की जिनको हर कोई एहतराम की नज़र से देखता है, आप उनके साहबजाते हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है। आपने बचपन गुजारा चौधरी साहब के साथ, अभी तक उनके ज़ेर साया आपकी तरबियत, सियासी तरबियत भी हुई है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बताइएगा आपने चौधरी साहब की सबसे ज़्यादा जो एक अच्छी आदत कौन सी अडॉप्ट की जो आप में समझी जाती है कि आप में है, किसको फॉलो किया आपने? इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने सीखी हैं शुजात साहब से, अपने वालिद साहब से। उसमें से एक ये चीज़ है कि हमेशा दूसरों को सोचना और अपनी जेब का ना सोचना, इसलिए अक्सर जो सुबह खर्च करना यानी कि मतलब दूसरों का काम आना यस फॉर द पब्लिक, इसलिए कि मेजॉरिटी जो आपको पता है पॉलिटिशियंस जो हैं दे ओनली थिंक ऑफ देयर सेल्फ बट नॉट टूवर्ड द पब्लिक। दूसरा ये है कि पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशली सियासत में, तो शुजात साहब मैंने हर लिहाज में उनकी पेशेंस जो है वो देखी है, बहुत ज़्यादा उनमें सब्र है। तो इस तरह और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनसे सीखने को मिली। यानी आप समझते हैं कि आपके रोल मॉडल जो हैं चौधरी शुजात साहब है और आप उन्हीं की लेगेसी को लेकर आप आगे, अब सियासी सफ़र जो गामजन है जिस तरफ आप हैं उन्हीं के लेगेसी को लेकर आप चल रहे हैं? जी बिल्कुल इसी तरह ही हैं, उनके जो खिदमत और रवादारी की सियासत है, और उससे पहले जो मेरे दादा ज़ुहर अली शहीद साहब जो है थे उन्होंने भी हमेशा जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए और उन्होंने भी हमेशा खिदमत और रवादारी की सियासत की, इसी तरह शुजात साहब ने भी यही किया। तो इंशाल्लाह हमारा भी ये प्लान है कि इसी तरह जो खिदमत और रवादारी की सियासत है फॉर द मैसेज, उनके लिए जो हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, चौधरी शाफ़ी हुसैन बतौर बिजनेसमैन से बतौर सियासतदान आपका कमबैक कहें या आपकी एंट्री हम कहें थोड़ी सी लेट नहीं होगी कि देर आए दुरुस्त आए वाली पॉलिसी के ऊपर आप गामजन रहे? 2004 से ही मैं ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स में मैं काम कर रहा हूँ। या सोशली एक्टिव नहीं थे आप? क्या एक्टिव था मगर ऑन ग्राउंड आप समझेंगे सोशल मीडिया में इतना नहीं था। ठीक है, और जो भी इलेक्शन इन द पास आते रहे उसमें मुझे यही कहा जाता था कि नेक्स्ट इलेक्शन में तुम आ जाना, तो बेसिकली हर इलेक्शन में हर एक के लिए कैंपेन भी की हुई हैं दिन रात, तो और मतलब के हल्के में भी जो ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सा लिया, उसमें भी ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बेस होते हुए जी जो है दिन रात जो है उसमें मैं मेहनत होती रही उसमें। तो अब जो है जब से जनरल सेक्रेटरी बना हूँ मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पंजाब का, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें चौधरी सरवर साहब जो हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और चौधरी सरवर साहब का और शुजात साहब का एक पुराना ताल्लुक है, तो अब सारे एज ए टीम जो है कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं, और जिन लोगों का अच्छा वोट बैंक है ऑन ग्राउंड उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को से हम मीटिंग्स कर रहे हैं और वो हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपने भी खुद ही कहा है कि आप बहुत देर से काम कर रहे थे ग्राउंड रियलिटी के, यानी हकीकत भी है, और आप
लेकिन आप थोड़ा सा आपको पीछे रखा गया है या आगे आने नहीं दिया गया, तो ये कोई खानदानी कोई मुफाहमत या पॉलिसी थी कि ये ऐसा जानबूझ के किया गया? क्योंकि आपको आ जाना चाहिए था बहुत पहले, ज़रूरत थी यानी कि मुस्लिम कायद अजम के इस ग्रुप को, या अब तो फंक्शनली यानी कि है ही यही देखा जाए तो। उसमें यही था बस ख़ानदान के ही मैं समझता हूँ कि कुछ अफराद थे जिनका मैं समझता हूँ कि नहीं दिल था कि मैं कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँ, जबकि मैं समझता हूँ कि सियासी ख़ानदान तभी मजबूत होता है कि अगर इकट्ठा चला जाए, इकट्ठा चले। मगर समहाउ आई थिंक फ्यू पीपल फ्रॉम आवर ख़ानदान दे डिडंट वांटेड मी टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस इन द पास्ट इलेक्शंस। तो अब आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि मौका मिले तो मेरा प्लान है गुजरात से कॉन्टेस्ट करने का इंशाल्लाह एज एमपीए एमपीए पंजाब की सियासत के ऊपर आपकी गहरी नज़र इस मामले में। सर एक लोगों के यानी कि एक बहुत अहम क्वेश्चन है लोगों के लिए कि ये ख़ानदान एक ऐसा था या है जिसमें कभी दूरियां तसव्वुर नहीं की जाती थी। ये एक रवायती क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपने देखा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और आप लोगों के दरमियान जो भी एक दूरी है रही, तो आप क्या समझते हैं कि भी कोई कम बैक हो सकता है इसमें कि नहीं अब रस्ते जुदा हैं और हम अपनी अपनी यानी कि मंजिल का तयन हो गया है तो अब ठीक है? इससे मैं समझता हूँ ख़ानदानी तौर पर अगर ऑब्वियसली दरवाजे खुले हैं अगर वापस अगर आना है ठीक है, मगर यानी खुशी या गम है हम सब इकट्ठे हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए मॉरली यानी कि होना चाहिए। यस है नहीं अभी फिलहाल, अच्छा फ्यूचर में आप समझते हैं? फ्यूचर में मैं समझता हूँ बर्फ़ थोड़ी सी पिघल सकती है, उम्मीद है, उम्मीद है। और दूसरा ये है कि सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है कि सियासत जो है इसलिए कि उन्होंने फैसला किया है कि अपनी अपनी होनी चाहिए साल पहले, उन्हीं का फैसला है कि साल पहले जो उन्होंने किया था कि सियासत अपनी अपनी होनी चाहिए तो फिर उसी को लेके चलना चाहिए। क्योंकि चौधरी शुजात साहब की सियासत तो बहुत क्लियर है खुली किताब की तरह, उन्होंने हमेशा जो भी बात की कमिटेड रही अपनी बात के ऊपर, ये तारीख गवाह है। चाहे बहुत सारे इशूज इसके अलावा भी है ठीक है, लेकिन अगर ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये कमिटमेंट ब्रेक जो हुई है उन्हीं की तरफ से हुई है। थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहेंगे आप डिटेल? जी वही जो पहले आपको काफ़ी को पता भी है कि वो पुरे साहब तो ये चाहते थे कि पीडीएम स्पेशली नून लीग के प्लेटफॉर्म से बने सीएम, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने शुजात साहब को कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और सारी बात की जाए। शुजात साहब ने जो है दिन रात मीटिंग्स करके सारों को अग्री करवा लिया कि पुरे साहब शुड बी सीएम विद द सपोर्ट ऑफ नून लीग एंड पीपल्स पार्टी। हालांकि बड़ा मुश्किल काम बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन चौधरी साहब की अपनी शुजात साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी मना लिया किया, सारों को जब मना लिया तो फिर विद इन द वेरी नेक्स्ट डे पुरेश साहब जो हैं उन्होंने प्लान बना लिया कि इमरान खान ने बुलाया है तो हम एक मिनट इमरान खान को हम टाल के आ रहे हैं बनीगाला जा रहे हैं। तो जब पुरेश साहब जा रहे थे बनीगाला द नेक्स्ट डे आफ्टर कमिटिंग एवरीवन, तो शुजात साहब ने कहा था कि क्योंकि सारों के साथ कमिटमेंट होगी तो अगर इमरान खान ने कहा कि आप हमारे सीएम हैं पीटीआई के तो आपने फौरन नहीं मानना। तो ये जब बनीगाला गए तो वहाँ पर उन्होंने फौरी मान लिया, तो जो बाकी थे जिनके साथ वादे किए हुए थे और कुछ घंटे पहले दुआए खैर प्रॉपर सारा एक सिस्टम किया हुआ था उनकी उनको जो है वो साइडलाइन कर दिया गया एंड देन ही हिमसेल्फ डिसाइडेड He wanted to be CM from PTI. लेकिन सर ये कुछ अच्छा नहीं हो गया यानी कि देखा जाए तो आपके लिए 24 साल के लिए फ्यूचर के रस यानी फ्यूचर थोड़ा सा क्लियर हो गया और थोड़ा सी मंजिल का तयन भी हो गया? नहीं उनकी अपनी आपकी अपनी सियासत हो गई, उनकी अपनी डिसीजन थी उस टाइम के उन्होंने क्या करना था, मगर होना तो यही चाहिए था पहले भी कि सारों को जो है सियासी तौर पर इकट्ठे चलना चाहिए था, मगर मेरे ख्याल में कुछ लोगों में जो है उन अना आ गई या कह दें मैं आ गई ईगो टाइप आ कह सकते हैं उसको आप, थोड़ा सा ऐसा हो गया वो ईगो की वजह से जो है ना काफ़ी चेंजेस आ गई विद इन आवर खानदान, और जिसकी अभी वो बर्दाश्त भी कर रही हैं उस चीज़ को यानी कि सारी चीज़ें उनके सामने आ भी रही हैं। बिल्कुल एनीवेज जी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में चौधरी शाफी हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं हम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। समझता हूँ कि जी हेल्थ जिसमें हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है मेडिकल कॉलेजेस बनाने की ज़रूरत है, जिस लिहाज से पंजाब में पॉपुलेशन बढ़ गई है उस हिसाब से मैं समझता हूँ काफ़ी
अरसे से कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं बना। तो उसके अलावा नंबर मैं समझता हूँ कि साथ में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके अलावा एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में दोबारा से खुश आमदेद और मेरे साथ मौजूद है चौधरी शाफी हुसैन साहब। चौधरी साहब आपकी इकॉनमी के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है, ठीक है, और बतौर सियासतदान भी कह सकते हैं और थोड़ा सा क्योंकि बिज़नेस को भी आप समझते हैं, तो बताइए मौजूदा हालात में पाकिस्तान ने एक बड़ा टफ टाइम से गुजर रहा है और एक बड़ा टफ बजट भी है और IMF की पॉलिसीज और IMF के साथ तो अभी तक जो हमारा एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, इसके बावजूद हम सर्वाइव कर रहे हैं जबकि लोगों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बांग्लादेश बनने जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिन को किस तरह से देखते हैं आप इकॉनमी के हवाले से? मैं समझता हूँ कि अभी उम्मीद है कि कोई इस महीने में IMF से जो है जो जिस एग्रीमेंट का वेट हो रहा है और वो हो जाए और उसके बाद फिर जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी यही वेट कर रहे हैं कि IMF का एग्रीमेंट हो जाए ताकि वो फिर फंडिंग करेंगे पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही होता है आगे फ्यूचर में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो उसको आगे फ्यूचर में ये फोकस करना चाहिए कि हमारा जो हम जो डिपेंडेंट होते हैं IMF के ऊपर वो कम से कम हो और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जो एक्सप्लोर किया जाए, ज़रूरी है। जिस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉपर्स की रिजर्व्स हैं और आपके इधर पंजाब में जो हैं सॉल्ट माइंस हैं और जो यहाँ से जितना आपका सॉल्ट है नमक है वो प्रोसेस हुए बगैर एक्सपोर्ट हो जाता है और हमसाया ममालिक इंडिया में वो सॉल्ट को क्या कर रहे हैं वैल्यू एड, वो पूरा वैल्यू एड करके उसको यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्राइस से बहुत फ़र्क आ जाता है कि अगर आप पाकिस्तान में एक चीज़ एक्सपोर्ट एज इट इज़ रॉ कर रहे हैं या उसको वैल्यू एडिशन करके कर रहे हैं, तो उसको वैल्यू एड करके अगर हम यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि IT सेक्टर में काम करने वाला इंडिया में बेंगलोर में जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट चिप्स बन रही हैं, कंप्यूटर चिप्स बन रही हैं, तो पाकिस्तान में भी क्यों नहीं, पाकिस्तान में बन सकती हैं। फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, उसके ऊपर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्लस मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो है कि ऐसे आपके हाइड्रल वहाँ पर 10 मेगावाट्स के कनाल्स के ऊपर हाइड्रल प्लांट लग सकते हैं और इसी तरह और सी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो सर आप क्या समझते हैं, ये तो चीज़ें तो सारी ज़रूरी है जबकि देखा जाए तो सर आप टेक्सटाइल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, टेक्सटाइल के बिज़नेस से मुंसलिक भी है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल देखा जाए पाकिस्तान की बैकबोन है इस वक्त एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें, जबकि मौजूदा सूरत हाल में तो टेक्सटाइल का भी बहुत बुरा हाल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। टेक्सटाइल मैं समझता हूँ कि इवन जब मैं भी टेक्सटाइल देख रहा था तो उस टाइम में बड़ी हमने कोशिश की कि एक मोनसेंटो कंपनी है जिसको 2 साल के लिए हायर किया जाए ताकि वो इधर आएँ और फार्मर्स को भी एजुकेट करें और जो प्रोडक्शन जो है कॉटन की वो बढ़ाई जाए, इसलिए कि अक्सर जो है कॉटन जो है पाकिस्तान में वो इम्पोर्ट हो रही है। फिर पाकिस्तान आपको पता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी के हवाले से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आगे मज़ीद जिस तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और एग्रीकल्चर लैंड्स उसको मैं समझता हूँ ख़त्म होना चाहिए और अगर किसी ने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है तो वो बंजर ज़मीनों के ऊपर जो है वो अलाउ करना चाहिए। अब मज़ीद मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अलाउ नहीं होना चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ मज़ीद जो हैं वो बनती रहें। प्लस जो है सीड के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अक्सर जो सीड है बीज है जी, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, फिर कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनको ड्यूटी है। मैं समझता हूँ कि अगर इस पर फोकस किया जाए तो यहाँ पर ज़रात के हवाले से सीड भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान में, सर बहुत ज़रूरी है। तो चौधरी साहब ये बताइएगा आपकी जमात अगर बरसर इक्तदार आती है किसी न किसी हवाले से नेक्स्ट गवर्नमेंट जो होती है जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में इलेक्शन भी आप देख रहे हैं इलेक्शंस उसके बाद गवर्नमेंट जो भी बनती है, तो मेन 3 चीज़ें फोकस किसके ऊपर आप यानी कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म
जो फोकस करेगी मेन चीज़ें वो कौन सी होगी? वो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जी, वो मगर आपने कहा तीन चीज़ें हाँ, जिसके ऊपर उस पर मैं ये समझता हूँ जी, उसको मैं समझता हूँ कि जी हेल्थ, जिसमें हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेजेस बनाने की ज़रूरत है, जिस लिहाज से पंजाब में पॉपुलेशन बढ़ गई है उस हिसाब से मैं समझता हूँ काफ़ी अरसे से कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं है। तो उसके अलावा नंबर मैं समझता हूँ कि साथ में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, आपकी जमात की तंजीम साजी हो रही है आजकल, और चौधरी सरवर साहब बड़ी दिन रात, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं तंजीम साजी के हवाले से भी, और आप भी खुद भी उनके साथ होते हैं, अभी यूथ कन्वेंशन भी आप लोगों ने किया है। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तो इलेक्शन के हवाले से बताइए, लोगों में बड़ी मायूसी बढ़ रही है कि इलेक्शन को कहाँ देखते हैं आप, कि कब तक ये, यानी कि ये जो है ये हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होने वाला है, थोड़ा सा बताइएगा। इलेक्शन तो जो टेन्योर है गवर्नमेंट का वो अक्टूबर में कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन जो है वो टाइम पर होने चाहिए, और अच्छी होने चाहिए कि हो जाएंगे, दो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो लगता है कि होंगे या नहीं होंगे, वो बाजार लगता है कि अगर अक्टूबर में ना हो तो शायद लगता है कि शायद फरवरी में चले जाएंगे, मगर डेली चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो फ्यूचर तो अभी किसी को भी नहीं पता कि क्या होना। तो सर, आप अपनी जमात के हवाले से क्या अभी प्लान कर रहे हैं मज़ीद, इसको यानी कि तंजीम साजी के हवाले से लेके, मंशूर के हवाले से लेके, एजेंडा जो भी है, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी बताएं। उसमें जो है हम जमात के अलावे से हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, वो भी हमारा प्लान है कि जो हमने पार्टी में लेके आनी है, प्लस पार्टी को हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब का जो पैगाम कोई अगर आप चैनल के हवाले से देना चाहें व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को? चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो है वो हमेशा ही मैं समझता हूँ कि यही पैगाम रहा है कि मुल्क का जो है वो पहले सोचना चाहिए, और पाकिस्तान मुल्क है तो हमें और सियासत है। चौधरी शाफे हुसैन साहब का कोई ख्वाब ऐसा जो अभी तक आप समझते हो ख्वाब ही है, उस ख्वाबों की तबीर की तरफ आप गामजन हैं, चौधरी शाफे हुसैन साहब किस तरह का कोई ख्वाब, सियासत भी हो सकती है, कोई विश तो है यानी कि वो छोटी चीज़ कोई रह जाती है, कोई ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो इंसान चाहता है वो नहीं होती, मगर मैं समझता हूँ कि इंसान को जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं चौधरी शाफे हुसैन को अब ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा सोशली एक्टिव देखूँगा, जो कि मैं पहले नहीं देखता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है अपनी जमात की, और स्पेशली चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से जो आपको जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं समझता हूँ आप एक स्टेप और आगे आके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे फ्यूचर में भी और अभी भी, आप क्या समझते हैं? जी इंशाल्लाह उम्मीद ही है, मेहनत तो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आके देखें। चलिए जी, डेली बेसिस पर मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। अच्छा चौधरी साहब, बताइएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी मैं अगर ये वर्ड बोलूँ बैकबोन है, हमारी पहचान भी है, हमेशा उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और दे भी रहे अभी भी जो मौजूदा हालात, लेकिन हर आने वाली गवर्नमेंट जो होती है वो ये नारा ज़रूर लगाती है हम ओवरसीज़ के लिए बहुत कुछ करेंगे, प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन चौधरी साहब आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज़ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको मिलनी चाहिए, राइट्स भी मिलने चाहिए, और उनकी और भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, आप सर थोड़ा सा बताइए कि ओवरसीज़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो है वो बहुत से काम किए हैं फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिसमें कई ऐसे भी सिटीज़ हैं, मुल्क हैं जहाँ पर जो पाकिस्तानी काउंसलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करके आना पड़ता था, उन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ सिटीज़ में जो पाकिस्तानी काउंसलर्स हैं वो भी ओपन की, और उसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई फौत हो जाता है और वो चाहता है कि वो डेड बॉडी पाकिस्तान लाई जाए, उसमें बड़ा ख़र्चा होता है, तो वो डेड बॉडी लाने का फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो फ्री कर दिया, फिर जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी फ़्लाइट्स की, तो वो भी शुजात साहब ने जो है डायरेक्ट फ़्लाइट्स पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अप्रूवल दी फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान का सरमाया है, एंड दे प्ले अ वेरी मेजर रोल इन पाकिस्तान इकॉनमी एंड पाकिस्तान इमेज,
तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि डोंट बिलीव एवरीथिंग व्हाट यू सी इन मीडिया, और आपकी जो आइडेंटिटी है बैकग्राउंड में तो वो तो हैं आप बेसिकली पाकिस्तानी, तो यू शुड ट्राई टू कम एंड विजिट ऑफ्टन टू पाकिस्तान. बिल्कुल, इसलिए कि जो चीज़ें वो वहाँ बैठ के देखते हैं मीडिया में तो उसके हकायक जो है रियलिटीज़ जो है ऑन ग्राउंड या डिफरेंट होती हैं. तो सॉफ्टवेयर इमेज जो है वो जो है पाकिस्तान के बारे में वो तभी शो कर सकेंगे जब वो यहाँ पर आके तो है कुछ उनके विजिट्स हुआ करें. विजिट हुआ करें. और वो चूँकि पाकिस्तान में अपने यानी कि आना, पाकिस्तान में अपने बच्चों को लेकर आना अपने वो कह सकते हैं एक पाकिस्तान का असासा भी है ये, ताकि हमारे नेचुरल जो भी हमारी चीज़ें उनको पता चले, हमारी हिस्ट्री का पता चले आने वाले लोगों को, होपफुली ऐसा हो जी. और इसके अलावा ओवरसीज़ के हवाले से जो है पार्टी के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सैयद खुर्रम साहब हैं, उनको अभी यूरोप के हवाले से चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया. ओके. और वो वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो डिफरेंट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज हैं वो भी अपॉइंट कर रहे हैं फॉर ओवरसीज. यानी कि इस दफ़ा जो इलेक्शन आएगा, कमिंग इलेक्शन जब भी हो, तो मुस्लिम लीग कायद आज़म यानी कि टोटली फंक्शनल यानी कि एक किस्म का अपना आप इलेक्शन लड़ेंगे फुल फ्लैग नेशनल असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी हर जगह पर. बेसिकली जो पार्टी रजिस्टर्ड है ना वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग. मुस्लिम नॉट काफ. नॉट काफ. ओके. सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ही हम डिफरेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारा प्लान है कॉन्टेस्ट जो है उसमें वो करेंगे पंजाब से भी, और इवन KPK से भी काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं. Okay. और इवन सिंध में भी वर्किंग चल रही है. तो यानी कि सूबाई यानी कि पंजाब की जमात नहीं, नेशनल जमात इसको कहा जाएगा. जी कहा जा सकता. बिल्कुल बिल्कुल. इसी को ऊपर हम सारा प्लान कर रहे हैं. प्लान कर. जो सब एक लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर में कोई ऐसा हो कि भी आप मुस्लिम लीग जो है दूसरी मुस्लिम लीगों को ले कर चले, या चौधरी साहब उनको दोबारा पहले की तरह लीड करें, सब लोग इकट्ठे हो जाए जितनी मुस्लिम लीग हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये ख्वाब ही रहेगा बतौर मुस्लिम लीग की? अगर हम देखें इकट्ठे होने की, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी बार हर एक ने कोशिश की है, मगर अब मैं समझता हूँ कि मैं और अना काफ़ी आगे हुई है, जिसकी वजह से मुश्किल लग रहा है कि सारे इकट्ठे चलें. मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि मुल्क के लिए जो है वो इकट्ठे हों, मुल्क की इकोनॉमी के लिए इकट्ठे हों और ब्लैक पुलिंग ना हो, ताकि इकट्ठे मिलकर जो है वो चला जाए. जिस तरह आपको पता है कि पहले वो जिस तरह IMF को मैसेज दिया गया कुछ पार्टी लीडरान की तरफ से कि डोंट डू अग्रीमेंट, तो वो भी मैं समझता हूँ कि ये तो अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट जाता है. तो इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए सबको जो है फॉर बेटर पाकिस्तान, फॉर द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान सोचना चाहिए, फॉर बेटरमेंट फॉर द लाइफ स्टाइल ऑफ द पुअर पर्सन उसके बारे में सोचना चाहिए. बिल्कुल. और आम इंसान के हालात को बेहतर करने के लिए असल चीज़ वो है. असल चीज़ और यही हमारी कोशिश और यही ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि खिदमत आपकी जमात का तो वैसे ही मंशूर ही खिदमत करना, और आपके घराने का चॉइस आपकी सियासत तो घूमती ही खिदमत के यानी कि इर्द गिर्द है. जी नाज़रीन, आप देख रहे थे चौधरी शाफ़ी हुसैन आज ख्वाबों से तबीयत तक इस सफ़र में, जो कि हमारे मेहमान थे और पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़. और मैं चौधरी साहब का दोबारा से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया. चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चौधरी साहब आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है हमारी स्पॉन्सर्ड कंपनी पाकिस्तान लार्जेस्ट ग्रुप मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है जो कि आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे सफ़र में हमारे गेस्ट थे. थैंक यू जी. चौधरी साहब ये आपके लिए गिफ्ट है सर. शुक्रिया. और ये मॉडर्न स्टील की तरफ से पाकिस्तान लार्जेस्ट ग्रुप है, और ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि पाकिस्तान प्रोडक्ट से प्यार करें. ठीक है सर. थैंक यू. ठीक है सर. थैंक यू. रानी सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो. चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं वहाँ घर टूट जाते हैं.
ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।